क्या कर रहा है? घास काट रहा है। और ये पांव को हैंड लगा रही है और ये कह रही है घास काट रहा है। कभी ये रोना शुरू हो जाती है, कभी मुस्कुराना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? खालिद बात कर रहा हूँ। आज का व्लॉग शॉट करते हैं अल्लाह के फजल व करम से। और ये बच्चे आए हुए हैं मेरे साथ। किधर आए हैं ये सारे बच्चे? किस लिए? अच्छा, और ये खड़ी है गाड़ी। घर बैठे हुए थे, कह रहे थे पापा हमने घूमने जाना है, तो मैं इनको बाहर ले आया। मैंने कहा ये देखा कितनी खुली जगह है, इधर खेल खूल लें जरा। तो अभी जरा गाड़ी का ऑयल चेंज करवा लें, फिर दिखाते हैं बच्चे कैसे खेलते क्या। अब बच्चे अंदर आके बैठ चुके हैं, हमने ऑयल चेंज करवा लिया है। चलो आ जाओ फिर चले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से उसके अंदर नहीं गिरना। गाड़ी के पीछे नहीं जाना, गाड़ी के पीछे नहीं जाओ। और ये हो रही है वाश। और ये भाईजान आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई आईडी निकाल के दें। अभी हम इसे इनको सब्सक्राइब भी करते हैं और अपने व्लॉग का बताते भी हैं, तो इसको हम अपने व्लॉग में लेके भी आएंगे। ये भाई भी हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, इनको हम दिखाते हैं। गाड़ी का ऑयल चेंज करवा लिया और बच्चों ने जिद की थी, कह रहे चाचू पापा पार्क लेके चलो पार्क। अभी हम इधर पास एक छोटा सा पार्क है, उधर लेके जाते हैं इनकी, जरा रनिंग शनिंग करवाते हैं, रेसें लगवाएंगे, देखेंगे कौन जीतेगा। तो अभी मुलाकात करते हैं पार्क जाकर, इधर से हम टर्न लेंगे फिर वापसी की तरफ, क्योंकि उधर से मुड़ते तो वो हो जाना था रॉन्ग वे। और गलत तो हम ड्राइव कभी करते नहीं है, इसलिए हम ऊपर से टर्न ले लेंगे। और ये देखें, ये ऑटो वाला गलत जा रहा है ना, ऐसे गलत नहीं आपने ड्राइव करनी। वो जो प्लाजा आ रहे हैं ना, उसकी अगली तरफ हमने जाना है, ये बिल्कुल पास ही है। ये कटाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, वो कोई नेट शेट से ही कर रहे थे सड़क के ऊपर खड़े होके लोग। तो ये बाइक वाला भी वन में जाने की कोशिश कर रहा है, ये रक्षे वाला भी उल्टा जा रहा है, ये देखे ना। तो ये रेडियो वाले देखे सड़क के ऊपर लगाई हुई है, ये भी गलत है। और अभी हम पहुंचने लगे हैं कहां? वन टू थ्री। और बच्चे पहुंच चुके हैं पार्क, वो ऊपर चले गए हैं स्लाइड के। ओए हो हो, और वो खुद भाग चले गए हैं। और ये बच्ची कह रही है मुझे भी लेके जाओ ऊपर। इधर आके ग्राउंड की तरफ आ जाओ ना बच्चों। डर दिया। इधर से आगे से साफ जगह, आगे से साफ साफ जगह। वो ग्रास की तरफ चले जाओ, ग्रास की तरफ, उस तरफ। बच्चे आके इधर बैठ चुके हैं, बहुत रिंग रोड की गाड़ियां गुजर रही हैं। ये गाड़ी सिटी आ रही है। और वो देखे सामने प्लाजा है हमारे, बन रहा है बड़े अरसे से बन रहा है, ये पता नहीं कब कंप्लीट होगा। क्या इधर देखो, हाजरा का भी आया ना, पीछे होके बैठना, ऊपर ही बैठो, ऊपर दीवार के साथ खड़े हो। मैंने पीछे से प्लाजा लेना है, प्लाजा। और अहमद तू पीछे हो बेटा, हाजरा नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं उधर ही जाना, सड़क क्रॉस नहीं करनी, पागल सड़क से इधर से चोट लग जाएगी। और बच्चे कह रहे हैं उधर, वो देख कितने लड़के बैठे हुए हैं, हमें पकड़ के फेंटा लगाया, तो वो क्या करेंगे हम? नहीं ना पुत्री, नहीं पुत्री, नहीं पुत्री, नहीं। वो गाड़ियां आ रही है क्या? हाँ
खास वाले पार्क में जिन भूत हैं वो देख लड़के मारेंगे इतने ज्यादा। नहीं जितनी फाइका को क्या हो रहा है, फाइका बहुत डरपोक है ना फाइका, क्या हो गया तुझे? फाइका बहुत डर रही है, बार बार भाग के वापस आ रही है। ये बाकी बच्चे अहमद हाजरा ये एंजॉय कर रहे हैं। और वो सारा भाग गई है। और ये फाइका खड़ी है बाबा के साथ पीछे। क्या हो रहा है? और ये बरात आ गई है, ये बरात जा रही है। वो दूल्हे की गाड़ी आगे खड़ी हो गई है। और हम इधर बैठ के पार्क में रेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी माज भाई सही है, बच्चों को ज्ञान लाना चाहिए कहीं और लेके जाते। यहाँ बड़ी जबरदस्त है, करीब भी अपने, और हवा भी बहुत जबरदस्त है। माज भाई का प्लान था चलो चलते, लेकिन यार वो कोई चीजें साथ लेके जाए बंदा को, क्रिकेट का बैट बॉल शॉल हो फिर मजा हो, और बच्चे थोड़े हैं, बच्चे ज्यादा लेके जाते ना फिर मजा आना था। तो नेक्स्ट वीक जो है ना इंशाल्लाह अगले संडे को हम प्रोग्राम प्लान रखेंगे, चलो पार्क का व्लॉग आपसे शेयर करेंगे, बड़ा ही मजा आएगा। हम जनाब साथ टिक्के शिक्के बनाएंगे और खूब एंजॉय मॉल करेंगे। वो सब्जा देखेंगे कितना प्यारे पौधे लगे हुए हैं, हाँ शुरू हुए थे और वो मुझे लग रहा है एक महीने के अंदर वो तैयार हो जाएंगे। और ये मेरी होते भी पहले के बन रहे हैं, ये बहुत पुराना है। ये तो हम इधर जब क्रिकेट खेलने आते थे इधर सप्लाई थी पास ही, तो इधर उधर साथ करबला जगह थी ग्राउंड, वहाँ पानी नहीं मिलता था, करबला कहते थे। तो ये जहाँ प्लाजे बने हुए हैं इस साइड पे इसको हम कहते थे सप्लाई। तो बहुत ही क्रिकेट खेल लिया हम लोगों ने। और ये गिर के आई है अभी अभी से, हमें तो समझ नहीं आ रही क्या मसला है इसके साथ। ये असल में छोटी छोटी चींटियां वगैरह होती है ना उनसे बहुत डरती है। तो अभी ये रो रही है, पापा को चाट रहा है। चले फिर घर, चले चले घर बच्चों। वो बस इतनी परमिशन लेके आए थे, तेरी मम्मा का फोन आ गया कह रही है अहमद कहाँ है अभी तक आया नहीं है, नानो घर जाना है। क्या हो रहा है अभी भी रोई जा रही है, अभी तो तेरी वीडियो भी बन गई है। और बच्चे वापस घर आ चुके हैं, फाइका बहुत डर रही थी, उसने हमें बहुत परेशान कर दिया था। है ना सायरा मजा आया था, अहमद भाग गया है, सायरा उससे है पीछे है, फादरा उससे पीछे है, उससे पीछे फाइका है, और सबसे एंड पे मैं वापस घर जा रहा हूँ। जनाब ये सायरा का सबसे बड़ा भाई है और माज की बहना ने इसको दिया है गिफ्ट, और इसकी माज भाई की आज बर्थडे। तो अभी देखते हैं वो शूजों के डब्बे में गिफ्ट रख के दिया गया है, देखते हैं उसमें है क्या। मोए मोए तो नहीं होने लगी है, माज भाई ओपन भी हमारे सामने करेंगे, देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है, जो निकलेगा सब बच्चे क्लैपिंग करेंगे फिर। अगर कुछ ना निकला, फिर पापा की तबीयत ताप होगी। बहना ने बड़े शौक से दिया है, सहरा पकड़ा रही है, लेकिन माज भाई की बहना ने दिया है गिफ्ट इसको। मोए मोए लगता है हम निकले नहीं, हमने सुनता था। मोए मोए ये तो कागज ही है, कागज ये है कुछ इसको। वाओ एक बॉक्स और निकला है, लगता है राडो की घड़ी है उसके अंदर माशाल्लाह, 25-30 हजार रुपए की। अच्छा मोबाइल भी हो सकता है वैसे आजकल बड़े है। ये बहना ने मुझे लगता है इसके साथ प्रैंक किया है, बड़े से डब्बे में छोटा डब्बा, फिर छोटे डब्बे में छोटा डब्बा। आए 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 लगता है कोई गिफ्ट है। राशन पूरा, एक्चुअली माज भाई सुपारी बहुत खाता है, माज दिखाओ सही से ब्रांड क्या है, इधर पकड़ाई दे। माज भाई के साथ हो गया मोए 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 मोए। चल एक एक दे दे, एक एक दे दे, एक एक अच्छा जी बताएं ये सुपारियां क्यों दी गई हैं इसको? ये खाता बहुत है, रात को इसके जेब भरी होती है, मैं कभी निकालता हूँ ना तो फिर नाराज हो जाता, पापा मेरी आप जेबों को हाथ ना लगाएं। ओ इसलिए माल भाई गाड़ी चलाते ना, जो राइट साइड का गेट है ना उसमें
कम से कम 50-30 जो उसके रैपर पड़े होते हैं जब गाड़ी सर्विस करवाने जाते हैं ना, कहते हैं भाई जान इतने ज्यादा वाह पूरा डब्बा एक हमने पकड़ लिए तूने नहीं लेनी तूने नहीं लेनी गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर सुबह हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं वॉक पे। कुछ दिनों से डॉक्टर ने बोला था वॉक करनी है, तो हम सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर इधर आ जाते हैं वॉक के लिए। अब करते हैं स्टार्ट वॉक। डॉक्टर बोल रहा था कि आपकी सेहत का वॉक से सेट होगी, तो अभी हम कर रहे हैं वॉक। माहौल बहुत प्यारा है, वो भी आपको दिखाएंगे, पहले थोड़ी सी रनिंग कर लें।